रतन सिंह के यहाँ आज सुबह से ही भीड़ लगी थी। उसकी पत्नी विमला ने दो सर वाली एक लड़की को जन्म दिया था। रतन सिंह को एक तो गरीबी पहले से ही घेरी हुई थी और ये विचित्र लड़की का जन्म उसे और हताश कर रहा था। खैर, 3 साल तो जैसे तैसे कट गए, लेकिन अब उस लड़की को भी समस्या होने लगी। एक को नींद आती तो दूसरी को जागने का मन करता। सुविधा के लिए दोनों सर का अलग अलग नाम रखा गया। एक सोना, जो शांत स्वभाव की थी, दूसरी मोना, जो गुस्सैल थी। एक ही शरीर होने के कारण दोनों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। विमला, आज मैं सोना और मोना को स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए गया था, लेकिन हेडमास्टर ने एडमिशन लेने से मना कर दिया। बोले कि अगर परीक्षा पास करेगी तो सर्टिफिकेट किसके नाम का होगा। अगर दोनों का दिमाग लगेगा तो एक सर्टिफिकेट ही क्यों, और अगर दो दिमाग लगाकर एक परीक्षा पास करता है तो ये दूसरे छात्रों के साथ अन्याय होगा। पता नहीं इनका क्या होगा। पापा, अब हम कैसे पढ़ेंगे? यहाँ भी कोई हमारे साथ नहीं खेलता, सभी हमारा मजाक उड़ाते हैं। हाँ मेरे बच्चों, मुझे मालूम है, हम गरीब आदमी का मजाक सारी दुनिया उड़ाती है, और तुम लोगों के साथ तो नसीब ने ही मजाक किया है। मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। समय गुजरने के साथ साथ सोना मोना भी बड़ी हो गई। आज उनका 18वां जन्मदिन था, लेकिन एक सप्ताह से माँ विमला बहुत बीमार थी, इसलिए घर में जन्मदिन की कोई चहल पहल नहीं थी। बेटी, सोना मोना, मैं अब जिंदा नहीं रहूंगी ज्यादा दिन, अपने पिताजी का ख्याल रखना। नहीं माँ, ऐसा क्यों बोल रही हो? देखो माँ, ये सोना से तो मैं पहले से ही परेशान हूँ, उस पर आप हमें छोड़कर जाने की बात करती हो। मैं शायद तुम्हारे पिताजी से भी ना मिल सकूं, मुझे माफ कर देना बेटी, गरीबी के कारण तुम्हें कुछ ना दे सकी। माँ, तुम्हें हम मरने नहीं देंगे। चलो मोना, वैद्य जी को बुलाकर लाते हैं। अभी सोना मोना घर से निकल ही रही थी कि बाहर साइकिल से वैद्य जी कहीं जाते हुए नजर आ गए। वैद्य जी, ओ वैद्य जी! अरे सोना मोना, इतनी घबराई क्यों हो, सब ठीक तो है ना बिटिया? चाचा, वो माँ बहुत बीमार है, हम आपको ही बुलाने जा रहे थे। अब नहीं बचूंगी भाई साहब। कुछ नहीं होगा आपको सोना मोना बिटिया, ये दवाई मैं लिख कर दे रहा हूँ, महंगी दवा है, लेकिन इसको खाते ही 2 दिन में विमला भाभी ठीक हो जाएंगी। लेकिन 2 दिन के अंदर ये दवाई नहीं मिली तो फिर भगवान ही मालिक है। शाम में रतन सिंह आता है, सोना उन्हें सारी बात बताती है। रतन सिंह आधी रात तक सभी जगह पैसे की व्यवस्था के लिए जाता है, परंतु कहीं से मदद नहीं मिलती। हताश घर लौट आता है। रतन सिंह सुबह शहर में काम ढूंढने जाता है, उसके साथ सोना मोना भी चल देती हैं। वहीं उसकी मुलाकात सर्कस के एक मैनेजर से होती है। वह सोना मोना को देखकर अपने सर्कस में काम पर रख लेता है और उन्हें एडवांस पैसे देता है। वो उस पैसे से दवा लेकर घर आ जाते हैं। विमला 2 दिन में ठीक हो जाती है। सोना मोना प्रतिदिन सर्कस में जाने लगती हैं। उनके लिए गाड़ी गांव में आती है। उन्हें सर्कस में अजूबा लड़की के रूप में दिखाया जाता है। लोग उन्हें देखकर हंसते हैं। कुछ महिलाएं तो देवी समझकर उनकी पूजा भी करती हैं। एक दिन सर्कस में कुछ लड़के उन्हें पत्थर मार रहे होते हैं। मोना उन्हें भला बुरा कहती है। तभी एक लड़का जोर से पत्थर फेंक कर मारता है। मोना अपना सिर झुका लेती है। पत्थर सीधा जाकर सोना के सिर पे लगता है और वह बेहोश हो जाती है। सॉरी सोना, क्या हुआ, उठो ना, हम दोनों कितने अभागिन हैं कि एक दूसरे को देख भी नहीं सकते। क्या हुआ, अरे कोई पानी लेकर आओ। ये लीजिए पानी। सोना मोना को हॉस्पिटल से इलाज करवा कर घर भेज दिया जाता है। रतन सिंह और विमला दोनों निर्णय करते हैं कि कल से सोना मोना सर्कस नहीं जाएंगी। 2-4 दिन में सोना भी ठीक हो जाती है। अब घर में उनका मन नहीं लगता। गरीबी के कारण एक टाइम का खाना खाते थे सभी। पिताजी, आप हमारे पापड़ को दुनिया का सबसे स्वादिष्ट पापड़ कहते हैं ना? हाँ सही, मैं ही तो कहता हूँ। तो क्यों ना हम पापड़ उद्योग ही खोल दें? आइडिया तो बहुत अच्छा है, मैं कल ही पापड़ का सामान ले देता हूँ। रतन सिंह सामान ले आता है। विमला, सोना मोना और रतन सिंह तीनों मिलकर पापड़ बनाने लगते हैं। पापड़ स्वादिष्ट होने के कारण जल्द ही सोना मोना पापड़ की बाजार में धूम मच जाती है। शहर में एक होलसेल की दुकान खोल लेते हैं। सोना मोना पापड़ अब एक ब्रांड बन जाता है। अजी सुनते हो, बेटी 24 साल की हो गई है,
अब इसकी शादी के लिए रिश्ता भी ढूंढना चाहिए। मुझे मालूम है, लेकिन उसके लिए लड़का कहाँ से ढूंढूं? कौन करेगा उससे शादी? पंडित गंगाधर से बात कीजिए ना, वे देश विदेश घूमते रहते हैं, सभी को रिश्ते भी बताते हैं। ठीक है, आज ही पंडित जी को बुलवाता हूँ। पंडित गंगाधर आता है, रतन सिंह का बंगला देखकर दंग रह जाता है। ड्राइंग रूम में बैठा कमरे की कीमती चीजों को निहारता रहता है। तभी रतन सिंह कमरे में दाखिल होता है। प्रणाम पंडित जी। खुश रहो बच्चा, कहो कैसे याद किया? पंडित जी, आप तो हमारी बच्ची के बारे में सब कुछ जानते ही हैं। अब वो शादी योग्य हो गई है। आपको तो पता है कि उसी की मेहनत और लगन से आज हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं। इसके लिए योग्य वर ढूंढने का कार्य अब मैं आपको सौंप रहा हूँ। प्रणाम बाबा, आप ही हमें पार लगाएंगे। बहुत आशा से हम आपको ये काम दे रहे हैं। आपकी दया से हम सबका उद्धार हो जाएगा। सदा सुहागन रहो, सबका कल्याण होगा, सब मंगल होगा, जल्दी ही शुभ समाचार मिलेगा। विमला पंडित जी को अच्छी दक्षिणा देकर विदा करती है। पर्दे के पीछे सोना मोना माँ की बात सुन अपने नसीब के बारे में सोच रोने लगती हैं। उनके पास आज क्या नहीं है, गाड़ी बंगला पैसे सब हैं, लेकिन भगवान ने उनके साथ ये मजाक क्यों किया। पापड़ के बिजनेस के सिलसिले में उन्हें न्यूयॉर्क मीटिंग में जाना होता है। वहीं होटल के मालिक प्रीतम सिंह, जो इंडियन होता है, सोना मोना को देखकर रतन सिंह से बोलता है। हेलो सर, मैं इस होटल का मालिक प्रीतम सिंह हूँ। मैं भी इंडिया पंजाब से हूँ। आपकी बेटी को मैंने अभी देखा। मेरा भी एक लड़का है जिसका नाम है सेंटो मिंटो, वो ऐसा ही है। मेरी इच्छा है कि इनकी शादी करा दी जाए ताकि ये सुखी जीवन जी सके। आओ भाई साहब, गले लग जाओ। हम भी इनके लिए योग्य वर की तलाश में थे। सचमुच भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं है। गले लगते ही दोनों की आंखों में आंसू छलक आते हैं। अगले महीने गांव में ही अमेरिका से बारात आती है और उनकी शादी धूमधाम से होती है। सोना मोना सेंटो मिंटो के साथ न्यूयॉर्क चली जाती हैं। इंसान को किसी भी परिस्थिति में हताश ना होकर संघर्ष करना चाहिए, सफलता जरूर मिलेगी। रतन सिंह के यहाँ आज सुबह से ही भीड़ लगी थी। उसकी पत्नी विमला ने दो सर वाली एक लड़की को जन्म दिया था। रतन सिंह को एक तो गरीबी पहले से ही घेरी हुई थी और ये विचित्र लड़की का जन्म उसे और हताश कर रहा था। खैर, 3 साल तो जैसे तैसे कट गए, लेकिन अब उस लड़की को भी समस्या होने लगी। एक को नींद आती तो दूसरी को जागने का मन करता। सुविधा के लिए दोनों सर का अलग अलग नाम रखा गया। एक सोना, जो शांत स्वभाव की थी, दूसरी मोना, जो गुस्सैल थी। एक ही शरीर होने के कारण दोनों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। विमला, आज मैं सोना और मोना को स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए गया था, लेकिन हेडमास्टर ने एडमिशन लेने से मना कर दिया। बोले कि अगर परीक्षा पास करेगी तो सर्टिफिकेट किसके नाम का होगा। अगर दोनों का दिमाग लगेगा तो एक सर्टिफिकेट ही क्यों, और अगर दो दिमाग लगाकर एक परीक्षा पास करता है तो ये दूसरे छात्रों के साथ अन्याय होगा। पता नहीं इनका क्या होगा। पापा, अब हम कैसे पढ़ेंगे? यहाँ भी कोई हमारे साथ नहीं खेलता, सभी हमारा मजाक उड़ाते हैं। हाँ मेरे बच्चों, मुझे मालूम है, हम गरीब आदमी का मजाक सारी दुनिया उड़ाती है, और तुम लोगों के साथ तो नसीब ने ही मजाक किया है। मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। समय गुजरने के साथ साथ सोना मोना भी बड़ी हो गई। आज उनका 18वां जन्मदिन था, लेकिन एक सप्ताह से माँ विमला बहुत बीमार थी, इसलिए घर में जन्मदिन की कोई चहल पहल नहीं थी। बेटी, सोना मोना, मैं अब जिंदा नहीं रहूंगी ज्यादा दिन, अपने पिताजी का ख्याल रखना। नहीं माँ, ऐसा क्यों बोल रही हो? देखो माँ, ये सोना से तो मैं पहले से ही परेशान हूँ, उस पर आप हमें छोड़कर जाने की बात करती हो। मैं शायद तुम्हारे पिताजी से भी ना मिल सकूं, मुझे माफ कर देना बेटी, गरीबी के कारण तुम्हें कुछ ना दे सकी। माँ, तुम्हें हम मरने नहीं देंगे। चलो मोना, वैद्य जी को बुलाकर लाते हैं। अभी सोना मोना घर से निकल ही रही थी कि बाहर साइकिल से वैद्य जी कहीं जाते हुए नजर आ गए। वैद्य जी, ओ वैद्य जी! अरे सोना मोना, इतनी घबराई क्यों हो, सब ठीक तो है ना बिटिया? चाचा, वो माँ बहुत बीमार है, हम आपको ही बुलाने जा रहे थे। अब नहीं बचूंगी भाई साहब। कुछ नहीं होगा आपको सोना मोना बिटिया, ये दवाई मैं लिख कर दे रहा हूँ, महंगी दवा है, लेकिन इसको खाते ही 2 दिन में विमला भाभी ठीक हो जाएंगी।
लेकिन दो दिन के अंदर ये दवाई नहीं मिली तो फिर भगवान ही मालिक है। शाम में रतन सिंह आता है। सोना उन्हें सारी बात बताती है। रतन सिंह आधी रात तक सभी जगह पैसे की व्यवस्था के लिए जाता है, परंतु कहीं से मदद नहीं मिलती। हताश घर लौट आता है। रतन सिंह सुबह शहर में काम ढूंढने जाता है। उसके साथ सोना मोना भी चल देती हैं। वहीं उसकी मुलाकात सर्कस के एक मैनेजर से होती है। वह सोना मोना को देखकर अपने सर्कस में काम पर रख लेता है और उन्हें एडवांस पैसे देता है। वो उस पैसे से दवा लेकर घर आ जाते हैं। विमला दो दिन में ठीक हो जाती है। सोना मोना प्रतिदिन सर्कस में जाने लगती हैं। उनके लिए गाड़ी गांव में आती है। उन्हें सर्कस में अजूबा लड़की के रूप में दिखाया जाता है। लोग उन्हें देखकर हंसते हैं। कुछ महिलाएं तो देवी समझकर उनकी पूजा भी करती हैं। एक दिन सर्कस में कुछ लड़के उन्हें पत्थर मार रहे होते हैं। मोना उन्हें भला बुरा कहती है। तभी एक लड़का जोर से पत्थर फेंक कर मारता है। मोना अपना सिर झुका लेती है। पत्थर सीधा जाकर सोना के सिर पे लगता है और वह बेहोश हो जाती है। सॉरी सोना, क्या हुआ? उठो ना, हम दोनों कितने अभागिन हैं कि एक दूसरे को देख भी नहीं सकते। क्या हुआ? अरे कोई पानी लेकर आओ। ये लीजिए पानी। सोना मोना को हॉस्पिटल से इलाज करवा कर घर भेज दिया जाता है। रतन सिंह और विमला दोनों निर्णय करते हैं कि कल से सोना मोना सर्कस नहीं जाएंगी। दो चार दिन में सोना भी ठीक हो जाती है। अब घर में उनका मन नहीं लगता। गरीबी के कारण एक टाइम का खाना खाते थे सभी। पिताजी, आप हमारे पापड़ को दुनिया का सबसे स्वादिष्ट पापड़ कहते हैं ना? हाँ सही, मैं ही तो कहता हूँ। तो क्यों ना हम पापड़ उद्योग ही खोल दें? आइडिया तो बहुत अच्छा है, मैं कल ही पापड़ का सामान ले देता हूँ। रतन सिंह सामान ले आता है। विमला, सोना मोना और रतन सिंह तीनों मिलकर पापड़ बनाने लगते हैं। पापड़ स्वादिष्ट होने के कारण जल्द ही सोना मोना पापड़ की बाजार में धूम मच जाती है। शहर में एक होलसेल की दुकान खोल लेते हैं। सोना मोना पापड़ अब एक ब्रांड बन जाता है। अजी सुनते हो, बेटी 24 साल की हो गई है, अब इसकी शादी के लिए रिश्ता भी ढूंढना चाहिए। मुझे मालूम है, लेकिन उसके लिए लड़का कहाँ से ढूंढूं? कौन करेगा उससे शादी? पंडित गंगाधर से बात कीजिए ना, वे देश विदेश घूमते रहते हैं, सभी को रिश्ते भी बताते हैं। ठीक है, आज ही पंडित जी को बुलवाता हूँ। पंडित गंगाधर आता है। रतन सिंह का बंगला देख कर दंग रह जाता है। ड्रॉइंग रूम में बैठा कमरे की कीमती चीजों को निहारता रहता है। तभी रतन सिंह कमरे में दाखिल होता है। प्रणाम पंडित जी। खुश रहो बच्चा, कहो कैसे याद किया? पंडित जी, आप तो हमारी बच्ची के बारे में सब कुछ जानते ही हैं। अब वो शादी योग्य हो गई है। आपको तो पता है कि उसी की मेहनत और लगन से आज हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं। इसके लिए योग्य वर ढूंढने का कार्य अब मैं आपको सौंप रहा हूँ। प्रणाम बाबा, आप ही हमें पार लगाएंगे। बहुत आशा से हम आपको ये काम दे रहे हैं। आपकी दया से हम सबका उद्धार हो जाएगा। सदा सुहागन रहो, सबका कल्याण होगा, सब मंगल होगा, जल्दी ही शुभ समाचार मिलेगा। विमला पंडित जी को अच्छी दक्षिणा देकर विदा करती है। पर्दे के पीछे सोना मोना माँ की बात सुन अपने नसीब के बारे में सोच रोने लगती हैं। उनके पास आज क्या नहीं है? गाड़ी, बंगला, पैसे सब हैं, लेकिन भगवान ने उनके साथ ये मजाक क्यों किया? पापड़ के बिजनेस के सिलसिले में उन्हें न्यूयॉर्क मीटिंग में जाना होता है। वहीं होटल के मालिक प्रीतम सिंह, जो इंडियन होता है, सोना मोना को देखकर रतन सिंह से बोलता है। हेलो सर, मैं इस होटल का मालिक प्रीतम सिंह हूँ। मैं भी इंडिया पंजाब से हूँ। आपकी बेटी को मैंने अभी देखा। मेरा भी एक लड़का है जिसका नाम है सेंटो मिंटो, वो ऐसा ही है। मेरी इच्छा है कि इनकी शादी करा दी जाए ताकि ये सुखी जीवन जी सके। आओ भाई साहब, गले लग जाओ। हम भी इनके लिए योग्य वर की तलाश में थे। सचमुच भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं है। गले लगते ही दोनों की आंखों में आंसू छलक आते हैं। अगले महीने गांव में ही अमेरिका से बारात आती है और उनकी शादी धूमधाम से होती है। सोना मोना सेंटो मिंटो के साथ न्यूयॉर्क चली जाती हैं। इंसान को किसी भी परिस्थिति में हताश ना होकर संघर्ष करना चाहिए। सफलता जरूर मिलेगी।